उल्टा जब सरकार में आए हैं तो पेपर लीक करा दिया। ये बीजेपी की सरकार आती है, पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हुआ तो अद्भुत, एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा हुआ है। बीजेपी कह रही है 400 पार का नारा, हर जगह 400 पार का नारा है। उनका मुंह है, वो कुछ भी कहे, बिहार में चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं। 17 महीने में जो काम हुआ वो 17 साल में नहीं हुआ, और 10 साल में मोदी जी ने क्या किया बिहार के? ना स्पेशल राज्य का दर्जा दिया, ना चीनी मिल चालू कर, ना कारखाने दिए, ना महंगाई कम की, कुछ तो किया नहीं। उल्टा जब सरकार में आए हैं तो पेपर लीक करा दिया। आप बताओ, अद्भुत है ना। हम लोगों ने 70 दिन के अंदर 2,00,000 लोगों को दो बार में परीक्षा करा करके कम समय में 2,00,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। ये बीजेपी की सरकार आती है, पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हुआ तो अद्भुत, एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा हुआ है। जो बच्चे, जो नौजवान जिनका भविष्य खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ, जो तैयारी, जो मेहनत वो करते हैं, जो उनके पिता आर्थिक रूप से जो सहयोग करते हैं बच्चे को पढ़ाने में, वो सारा बर्बाद हो जाता है। ये तो अद्भुत है ना कि कैसे हो जाता है। 17 महीने में आज तक कोई सुना था पेपर लीक का? उससे पहले सुने होंगे पेपर लीक होता था हमेशा, लेकिन इस बार हो गया। तो बिहार में चिंता मत कीजिए, हमेशा बिहार की जनता ने देश को दिशा दिशा दिखाई है, इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले। आप लोगों को तो सीट से रिक्त पर फैसला हो जाएगा, बुला के बता दिया जाएगा। आप लोगों को कितने सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया गठबंधन? हम लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पर लड़ेंगे।